को दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर दलित उद्यमों के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, श्री मिलिंद कामले, श्री चंद्रभान प्रसाद, सुश्री कल्पना सरोज, श्री रवि कुमार, श्री सुमित मजुमदार जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सब ने मुझे खड़े होकर के सम्मानित किया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस सम्मान का अगर कोई एक व्यक्ति अधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। और इसलिए आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के जो हकदार है उन बाबा साहब के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में एक विषय का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन आजादी के 60 साल में हम ज्यादातर अधिकारों की चर्चा करते रहे हैं। देश में जहां भी जहां देखो अधिकार की चर्चा होती है, क्यों न इस 26 जनवरी को हम कर्तव्य की चर्चा करें। ऐसी एक बात मैंने मन की बात में रखी थी, लेकिन आज मुझे स्वीकार करना चाहिए, सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए कि यह सभागृह और यहां उपस्थित लोग वे हैं जो सिर्फ कर्तव्य की चर्चा नहीं, कर्तव्य करके दिखाया है। अधिकार की चर्चा कर सकते थे, लेकिन उससे ऊपर उठ करके उन्होंने कर्तव्य के रास्ते को चुना है और आज आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर कर बैठ करके यहां आज उपस्थित हुए हैं। इस अवसर का सबसे ज्यादा किसी को आनंद हुआ होगा तो बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को। इस सभागृह पॉलिटिशियनों से खचाखच अगर भरा होता, सभी शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के पॉलिटिशियन से भरा होता, मेरे जैसा पिछड़ा भी उसमें होता तो भी शायद बाबा साहब उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आज प्रसन्न होते। क्योंकि बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया, बाबा साहब ने जो सिखाया इसी का रास्ता आपने चुना है। इस सभागृह में वो लोग हैं जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का टैक्स देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भरते हैं और ये वो लोग हैं
जो लाखों लाखों नौजवानों को रोजगार देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार की तिजोरी भी भरते हैं और गरीबों का पेट भी भरते हैं। मैं मानता हूं मुझे यहां आपके बीच आकर के आपके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है, मैं मिलिंद का और उसके सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया कि ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपनी जेब से 1500 रुपया डेलीगेशन फी देकर के आए हैं और ये डेलीगेट्स खुद के खर्चे से यहाँ होटलों में ठहरे हैं। हम जानते हैं देश का जमाना कैसा है। आने के लिए वो पूछता है क्या दोगे। और यही तो चीज है कि जिसके कारण पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नए सिरे से सोचने के लिए कारण बनने वाला है। इस यात्रा को 10 वर्ष हुए हैं और ये सुभग संयोग है कि बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में तो बहुत हम जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ है। बाबा साहब के भीतर अगर झोंके तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं जिस रिजर्व बैंक की कल्पना बाबा साहब ने की और जिसके कारण रिजर्व बैंक की रचना हुई, लेकिन दुख तब होता है कि बैंक में किसी दलित को लोन चाहिए तो लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। यह स्थिति पलटनी है। इस देश का इतना बड़ा वर्ग और ये कसौटियों से निखरा हुआ वर्ग है, समाज का एक वर्ग है जिसे ठंडी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, खुले पैर चलने से कंकर क्या से दबता है, इसका पता तक नहीं है। वो तो बनी बनाई अवस्था में चल पड़ा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिसने जिंदगी के हर कष्ट झेले हैं, हर अपमान झेले हैं, मुसीबतों का सामना किया है और एक प्रकार से कसौटी से कसता 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 अपनी जिंदगी को बनाता बनाता उभर करके आया है। उसकी ताकत कितनी होगी उसका अंदाज मुझे भली भांति है। लोहे का मूल्य होता है लेकिन स्टील का ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रक्रिया से निकला हुआ है। आप लोग आत्मनिर्भर हैं और आत्माभिमानी भी है। तीन हजार से ज्यादा दलित एंटरप्रेनर इसकी सदस्यता है, लेकिन मैं मिलिंद को बता रहा था, मैं मिलिंद कहता हूं तो बुरा मत मानिए, मैं इसको विद्यार्थी काल से जानता हूं। तो
समाज में 3000 से भी बहुत ज्यादा होंगे, हम उन तक कैसे पहुंचे, उनको इस प्रवाह से कैसे जोड़े। बहन कल्पना के नेतृत्व में 300 विमेन एंटरप्रेन्योर का एक यूनिट बना है। विमेन एंटरप्रेन्योर भी आप देखिए, मैंने कर्नाटक की एक बेटी को अभी सम्मानित किया। जो लोग एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं, पेरिस में बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, रास्ते कर्नाटक में कोई एक दलित कन्या खोज करके देती है। ये जब तक हम उजागर नहीं करते हैं, हम लोगों को परिचित नहीं करते हैं। मैं हमारे रति भाई से तो भारी परिचित हूँ, मेरे भावनगर के हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है मैं भली भांति जानता हूँ। समाज में ये शक्ति पड़ी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक आर्थिक और व्यावसायिक जगत की चर्चा का विषय है, मैं जरा उससे हटकर के बात करना चाहता हूँ। इसका एक सामाजिक स्तंभ है सारी घटना का, और मैं चाहूंगा कि देश का इस तरफ ध्यान जाए। मुझे बताया गया कि सभागृह छोटा पड़ गया, तो दूसरे सभागृह में सब लोग बैठे हैं, करीब बोले 400 नौजवान वहां बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं। कभी कभार जब हम खबरें सुनते हैं कि जीवन में अघटित हो जाए, निराशा आ जाए, तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है, आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्मकन्या हत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए, एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है। और इस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को पहचान करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना, आर्थिक पहलुओं से भी ज्यादा कभी कभी सामाजिक पहलू बहुत ताकतवर होते हैं। जिन सामाजिक पहलुओं ने सदियों तक हमें बर्बादी के रास्ते पर ले गया, वही चीज आज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके समाज की सदियों पुराने संकटों से बाहर लाने का ताकत भी बन सकती है। और इसलिए ऐसी शक्तियों पर हमारा नजर जानी चाहिए। अभी सरकार ने एक फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की है। ये मूलतः शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है, क्योंकि उसको तो विरासत में एंटरप्रेन्योरशिप कहां मिलेगी बेचारे को, उसको तो कभी विरासत में, उसके पिता माता तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारी है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मैं बैंकों को भी कहता हूं कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को तो लोन देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, मुझे ग्रीनफील्ड को देना है। नई ताकत उससे उभरती है, नए लोग उससे आते हैं। अभी सरकार की जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है,
PMY, उस योजना के तहत समाज के इस प्रकार के तबके के लोग पिछले 7-8 महीने में इस योजना को आगे बढ़ाया, करीब करीब 80 लाख लोगों को एक भी रुपये की गारंटी के बिना बैंकों से लोन दिया गया। करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया। और ये लेने वाले कौन है? अधिकतम उसमें दलित हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं और कुछ महिलाएं हैं, और वे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और बढ़ाऊं, ब्याज लेकर के शराब को पैसे देता हूं, उससे बाहर निकलूं और मैं अपना काम करूं। और ये वो लोग हैं, कोई एक को रोजगार देता है, कोई दो को रोजगार देता है, कोई तीन को रोजगार देता है। इस देश में ऐसे लोग करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 14 करोड़ लोगों को, लेकिन वे बैंक के दायरे में थे ही नहीं, बैंक के हिसाब किताब में ही नहीं थे। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है, लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं जाती। हमारी पूरी कोशिश यह है, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है, मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा, और इसलिए पिरामिड की सतह पर जो लोग हैं, सारी हमारी रचना है उसमें जो सतह पर लोग हैं, जो कोटि कोटि जन है, उनकी अगर ताकत बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था के वो हिस्से है। और जैसे मिलिंद ने कहा कि हम जॉब सीकर बनना नहीं चाहते, हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम भारत की जीडीपी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ताकत है, ये ताकत देश को आगे ले जाती है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है, भारत के पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, उनको हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दें, उनका वो हौसला बुलंद करें कि वो खुद तो बढ़े, दो और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। और जब ये स्थिति बनती है तो देश फिर आगे अपने आप बढ़ता है, उसको बढ़ाने के लिए कोई नई प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बढ़ पड़ता है। और इसलिए मैं इस 10 साल की यात्रा से हमने जो पाया है, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 2 साल में हम इस 10 साल को भी आगे निकल करके उससे भी डबल करते हैं? असंभव है। संभव इसलिए है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, वो आपकी सरकार है, जिसके दिलो जान इसी चीजों से भरे हुए हैं। मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जिंदगी जी है, अपमान क्या होता है मुझे मालूम है। हम तो जानते हैं पुराने जमाने से, अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था, अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है, और वो आज भी है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, ये है, आज भी है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर, आत्मनिर्मा सम्मान के साथ आगे बढ़ना, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, और आप सबका हौसला है वो मुझे नई ताकत देता है।
और इसलिए आप ये मान के चलिए कि दिल्ली में एक आपका साथी बैठा है जो इस बात को आगे बढ़ाना चाहता है, और मैं जिस अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देता हूं, क्योंकि ये मेरी पसंद का काम है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें यही रास्ता सिखाया था। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे, वो कहते थे भाई दलित के पास जमीन नहीं है, वो कहां जाएगा? दलित के लिए तो रोजी रोटी का अवसर औद्योगिकरण में है। देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो दलित को रोजगार मिलेगा, दलित को काम मिलेगा, वो खेती तो है नहीं, उसके पास जाएगा कहां? और इस देश में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है तो निचले तबके के लोग जो कि रोजगार पाते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव आता है। बाबा साहब अंबेडकर के उन सपनों को हमें पूरा करना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी? क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है क्या? हमारे ही तो परिवार की बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई। और इसलिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था उन सपनों को हम सपनों मिलकर के पूरा करना है, और ये पूरे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। आज का ये दृश्य देख करके देश की अर्थरचना पर जो आर्टिकल लिखते हैं ना, उनको भी नए सिरे से सोच करके लिखना पड़ेगा। ये अगर मैं कह तो नहीं सकता हूं लिखेंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये बदलाव है, ये बदलाव है। इस देश में एक तबका जिसको कभी मान सम्मान तक मिलता नहीं था, वो आज कहता है कि मैं ऐसा आगे बढ़ूं ताकि मैं किसी को सम्मान से जीने का अवसर दूं, मैं उसको रोजगार दूं। ये सोच जो है ना, वही शक्ति है, और उस शक्ति के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, आइए हम कंधे से कंधा मिला करके चले, कदम से कदम मिला करके चले। और मुझे ये भी खुशी है, अभी आप हमारे मिलिन जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज़ उठाई कि भाई जागो, ये मकान बीच बिक रहा है। और हम जागते थे, हमारे कान पे आवाज़ आई, और आज वो मकान एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी कि हाँ, ये जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं, आपने जो कर्तव्य का रास्ता चुना है, देश को भी आप इस रास्ते की प्रेरणा देते रहिए, हम सबको प्रेरणा देते रहिए। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।